22 रुपये के ऊपर जाने के बाद कहा कि 25 रुपये में मिलेगा, तो मुझे लगता है वाकई ये चीज़ें सही हो सकती है। शव को देखने वाली चीज़ें मिल रही हैं, और वो इसलिए मिल रही है कि हमने आंखें बंद कर ली हैं। आंखों को खोलो, अच्छे अच्छे शेरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को मोड़ो, आंखों से देख लो। मोरपेन लैब है ये, मदर सन सूमी एग्जैक्ट बैटरी मोरपेन लैब। मैंने कहा था हाथों से निकल गए ना एक बार। सर मोरपेन की खूबियां मुझे पता है, पूरी एनालिस है जहां जहां इसका माल के हैं, और उसकी खूबियां बताता हूं मैं। ये क्या करता हूं मैं ताकि आप अपने लॉस बुक ना करें, ये एक्चुअल चीज बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बताता हूं। इन चर्चाओं से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या शेयर मार्केट में काम करना आसान है, अगर मेरी नजरों से देखूंगे तो आसान। BCG के बारे में, क्योंकि BCG आज आपको अपने डीमैट अकाउंट में वर्किंग करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके एनालाइज भी करेंगे, और इस बार अगर हम BCG से बच जाएं तो दोबारे कान पकड़ लें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि वोडाफोन आइडिया वाकई मजबूत हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। बात करेंगे BCG के बारे में, क्योंकि BCG आज आपको अपने डीमैट अकाउंट में वर्किंग करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके एनालाइज भी करेंगे, और इस बार अगर हम BCG से बच जाएं तो दोबारे कान पकड़ लेना। जिस शेयर के अंदर ED, SEBI, कोर्ट के मसले, कई बार बता रहा हूँ ना, NSE, डील के मसले, उस शेयर के अंदर पैसे लगाने से पहले 50 बार सोच लेना, 100 बार सोच लेना कि भैया ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। जिस भी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ जुड़ी चीज़ रहती है और वो निगेटिव होती है, तो भैया उसके अंदर ज़्यादा पैसा मत लगाना। 2% मैं आपको कह रहा हूँ कि पेनी स्टॉक की तरफ अपना दिमाग लगाना है, ये मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, शुरुआत से कह रहा हूँ। तो इसलिए जब भी आप इस तरीके के पेनी स्टॉक में जाते हैं, एक बार अपना समझ कर ही मेरे से पूछ लिया करें। कमेंट जब हम इतने सारे करते हैं तो उसके अंदर कुछ चीज़ों को भी अच्छी तरीके से पूछ लिया करें। 2 दिन से लगातार BCG अपर सर्किट लगा रहा था, और मैंने कहा था कि किसी के चक्रों में मत आना, पहले आप रिजल्ट देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग आपकी लॉटरी लगा रहे थे। ये वीडियो मैंने आपके पहले ही बता दी थी, चर्चा करेंगे इसके ऊपर आज हम। देखो सर, इन चर्चाओं से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं क्या शेयर मार्केट में काम करना आसान है, अगर मेरी नज़रों से देखोगे तो आसान है, दूसरों की नज़रों से देखोगे, टारगेट वाली नज़रों से देखोगे तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको जब उन शेयरों के ऊपर बताता हूं जब शेयर नीचे गिरे होते हैं, और उसकी खूबियां बताता हूं मैं, ये क्या करता हूं मैं ताकि आप अपने लॉस बुक ना करें, ये एक्चुअल चीज़ बता रहा हूं मैं आपको, इसलिए बताता हूं ताकि आप अपने अच्छे शेयरों से लॉस बुक ना करें। और एक्चुअल चीज़ वही है शेयर मार्केट में, जो अच्छे शेयरों के अंदर जो लॉस बुक करता है वो हमेशा हर एक शेयर में लॉस बुक करेगा, और जब वो पछताएगा, जब उसकी तरफ वो गाड़ी तेजी की तरफ आएगी। अशोक लीलैंड, मदर सन सूमी, एग्जैक्ट बैटरी, मोरपेन लैब। मैंने कहा था हाथों से निकल गए ना एक बार। सर मोरपेन की खूबियां मुझे पता है, पूरी एनालिस है, जहां जहां इसका माल चलता है उसकी चीजें मुझे पता है, कहीं बार में कहीं पेटी, तो अपनी आंखों से देख लो। मोरपेन लैब है ये, क्योंकि वीडियो भी बना लेता हूँ, लोगों को भेजता भी हूँ ताकि उनकी माइंड में चीज़ें अच्छी आएँ। रेनू का शुगर जिस तरीके से आपको अब तेज़ी दिखा रहा है, 2-3 दिन में उसने तेज़ी पूरी कर दी, जो गिरावट थी कर दी पूरी उसको। उसकी क्षमता क्या है, एथेनॉल से जुड़ी हुई है। कल की वीडियो जिसने देखी होगी, हरदीप सिंह जी पूरी, जिनको फिर से मंत्रालय पेट्रोलियम का मिला है, उसके वजह से ही आपको शुगर सेक्टर में एथेनॉल वाली चीज़ों को देखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15% तक का जो मिश्रण है पेट्रोल में एथेनॉल मिलना, वो मई में पूरा हो गया, ये पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था, और अगले 2025 में ये सिर्फ 20% कर देंगे। तो क्या ये एथेनॉल गन्ने में यानी कि शुगर मिल में इफेक्ट डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं। अशोक लीलैंड, जहां इलेक्ट्रिक बस अपने भारी वाणिज्यिक वाहन बसे उसमें अच्छे सिस्टम आपके सामने रख रहा है, एक एक चीज़ें वो रख रहा है, और उसको मैं बता रहा हूं आज आपको शेयर कहां मिल रहा है। मदर सन सूमी, मैंने कहा था कि भैया ये वो शेयर है जो जिसके पास होगा वो अपनी रणनीतियों से अच्छा होकर जाएगा। आज मदर सन सूमी का है, ये तब चीज़ें बताई थी जब गिरी हुई होती, और जब मैंने आपको एग्जैक्ट बैटरी के बारे में बताया, बहुत आसान है,
पर रखना तो नहीं आ रहा ना हमें। जिस दिन हमें शेरों को रखना आएगा भैया, ऐसे मैंने कई बार कहा है, फंसना ही है ना अच्छे शेरों में फंस जाओ। ONGC में मैं फंसा पड़ा हूँ ना, कितना सारा लॉस आ रहा था, बिल्कुल मामूली सा लॉस है। फंसा नहीं हूँ भैया, मुझे पता है वो ग्रीन हाइड्रोजन में क्या वर्क कर रहा है, मुझे पता है वो समुंदर, घेरे समुंदर से अपने ब्लॉक से जो वो LNG निकालेगा, मुझे पता है उसके बारे में। और देश की एक बड़ी कंपनी है जो आगे जाकर ग्रीन एनर्जी पर ज़्यादा वर्क करेगी। तो फंस नहीं है, अच्छे शेयरों में फंसे हैं, है ना। तो बहुत आसान है इस तरीके से, तो पर वो आसानी किसी को समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ें निकल कर आती हैं। अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है ना भैया, अच्छे अच्छे शेयरों में करो। KAC इंटरनेशनल, क्या उसके वजूद थे भैया? उस चीज़ को पकड़ो जो वर्क कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, जिसके ऊपर कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं है, इसलिए आसान है। और हम उसे पकड़ रहे हैं जिसके अंदर NCLT के मसले हैं, SEBI के मसले हैं, इसके उसके इसके मसले हैं, वो कभी ना कभी बाहर निकलेंगे। जब शेयर भागता है तब नहीं निकलते, जब गिरता है निकलते जाते हैं वो। तो बड़ी प्रॉब्लम के साथ हमें समस्याओं को देखने वाली चीज़ें मिल रही हैं, और वो इसलिए मिल रही है कि हमने आँखें बंद कर ली हैं। आँखों को खोलो, अच्छे अच्छे शेयरों की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को मोड़ो। यही वो एक चीज़ है जो आपको बहुत अच्छा कर खासा लगेगा। बजट की तैयारी भी आगे होगी, 3 दिन मार्केट बंद है। देश के प्रधानमंत्री जी ने रिजल्ट आने से पहले ही कह दिया था, वो G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने जरूर जाएंगे, ये पहले ही बोल दिया था जब वो जीते नहीं थे। और आज उन्होंने वो करके दिखा दिया, क्योंकि वो इटली में मौजूद हैं, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मोदी जी हमारे इटली में हैं। सारी चीज़ सुचारू रूप से चल रही है, फिर भी बीच बीच में निगेटिव चीज आएंगी, वो ना छलावा होती हैं, उस छलावे को आपको समझना पड़ता है, है ना। तो उन चीज़ों को भी आपको देखना है। देश जो है प्रगति की तरफ है, और देश में आपको जो चीज़ें पहले होते हुए दिखाई दी उन्हें ही वो मंत्रालय मिलते गए, तो यानी कि प्रगति की ओर देश है, उसमें और ज़्यादा 4 चांद लगेंगे, पर उतार चढ़ाव के साथ। उतार नहीं होगा ना तो मौका नहीं मिलेगा, उतार नहीं होगा ना तो धोखा नहीं मिलेगा, उतार नहीं होगा ना तो अपनी असलियत हमें समझ में नहीं आएगी। इसलिए प्रॉफिट को लेते लेते, मौके को देखते देखते आगे के पल निकलने वाले हैं, और हमें कहीं ना कहीं अच्छी संभावना के बाद गिरावट के सिलसिले को भी झेलना है, क्योंकि अब हमें बजट की तैयारियों में लग जाना चाहिए। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, वोडाफोन आइडिया जहां संजीव बसीन जी ने 18 रुपये से 22 रुपये के ऊपर जाने के बाद कहा कि 25 रुपये में मिलेगा, तो मुझे लगता है वाकई ये चीज़ें सही हो सकती है। थोड़ी सी चीज़ों को समझाने से पहले थोड़ी सी कहानी समझेंगे। कहीं से आपने किसी की कंपनी के लिए वर्क करा और वो कंपनी आपको सुचारू रूप से पैसा दे रही है, कुछ दिनों से कुछ महीनों से वो पैसा आपका नहीं मिल रहा है, पर आपने फिर भी वो काम किया तो आपका बकाया हो गया। भैया आप कह रहे हो मुझे वो पैसा वापस चाहिए, पर कंपनी कह रही है भैया हम पहले कर्जे में डूबे हैं, हमारे पास कुछ भी चीज़ें नहीं है, तो भैया हमारे पास पैसा नहीं है, हम आराम आराम से दे देंगे। एक तो वो होता है पैसा लेकर काम करना, उसके अंदर बस जिम्मेदारी ख़त्म। एक होता है कि कंपनी के अंदर शेयरों को लेकर बैठना, यहाँ पर जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाएगी? क्योंकि अब हम कंपनी का एक हिस्सा हो जाते हैं। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, इसको समझकर चलना। सरकार ने जब इसके अंदर 33% तक का अपना स्टेक लिया, तो सरकार अब इसके अंदर बाधित थी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अब चलना ही चलना था, और वोडाफोन आइडिया ने चलकर दिखाया। सरकार फिर अपना मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग को 32% तक कर लाती है, क्योंकि वो सरकार ने भी कुछ अपने परसेंटेजों को निकाला। अब सरकार अपने चीज़ों को और परसेंटेज निकाल कर मार्च के बाद मई 2024 का डाटा मैं देख रहा हूं, तो सरकार की हिस्सेदारी करीब 23.80% रह गई है, जहां पहले 33 जब सरकार ने अपना स्टेक लिया तो अब 23.80% हो गया। कितना ज़्यादा गैप सरकार की होल्डिंग से आ गया। पर ये चीज़ों समझो, अब यही होल्डिंग या तो पब्लिक के पास या फिर बड़े बड़े निवेशकों के पास जा रही है, और अगर इसके प्रमोटर वोडाफोन आइडिया के वो भी अपनी होल्डिंग को निकाल रहे हैं, तो यानी कि वो भी कहीं बड़े बड़े चीज़ों के साथ जा रही है। यहाँ एक चीज़ों को आपको फिर से थोड़ा सा और समझाऊंगा।
बात हो रही थी कि कंपनी को लिए हमने वर्क किया, हमने पैसा लिया, वर्क किया, ख़त्म। पर कंपनी के अंदर अगर हमारी हिस्सेदारी होगी, इक्विटी चीज़ें होंगी, तो हम उसमें और अच्छा काम करेंगे। नोकिया भारत और एरिक्सन भारत जो है उसका बकाया वोडाफोन आइडिया के ऊपर है, और वोडाफोन आइडिया से वो बकाए के लिए कह रहे हैं। और अब वोडाफोन आइडिया के मंडल ने, यानी जैसे मंडल ने एक मंजूरी दे दी है कि वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से इक्विटी जारी करके नोकिया और एरिक्सन का बकाया, आंशिक बकाया जो चल रहा है, उसे चुकाने के लिए करीब 2458 करोड़ रुपए के शेयर देगा। क्या प्रतीत हो रहा है? ये प्रतीत हो रहा है जब ये शेयर देगा तो वो इक्विटी के माध्यम से देगा, यानी कि एरिक्सन और नोकिया की भी हिस्सेदारी अब आपको देखने को मिलेगी प्रमोटर की चीज़ों के साथ। यहाँ से अब कंपनी मजबूत हो रही है, क्योंकि नोकिया और एरिक्सन जो है एक विक्रेता है किसके, वोडाफोन आइडिया के, और वोडाफोन आइडिया 4G की जो भी चीज़ें कर रहा है इन दोनों के साथ कर रहा है। ध्यान रखने वाली बात है, अब वोडाफोन आइडिया अपने 4G के विस्तार और 5G के अनुभवों के लिए आगे की रणनीति सही निवेश के साथ रास्ते तलाश कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भैया, ये अक्षय मुद्रा जी कह रहे हैं कंपनी की तरफ से। तो यानी कि अगर अब इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। जब 2458 करोड़ रुपए के शेयर इस तरीके से जाएंगे तो वो आपको समझना है वहाँ पर उनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो यानी कि अब वो भी पार्ट हो गए कंपनी की तरफ, अब वो बकाया नहीं मांगेंगे, अब वो सोचेंगे किस तरीके से कंपनी में और अच्छा काम करके जाया जाए। तो मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है, आप समझ कर चलें इसे। तो ये जितने भी शेयर दिए जा रहे हैं इतने रुपए के, तो वो 14.80 रुपए के दिए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर नोकिया एरिक्सन को अभी भी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। पर वो आगे भी इसके 4G 5G के लिए वर्क करेगा, तभी ये चीज़ें हुई हैं। अब इस चीज़ से नोकिया की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर, अब जो मई के बाद कुछ चीज़ें होंगी चेंज होंगी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न चेंज हो जाएंगे। जहां नोकिया की हिस्सेदारी, अगर ये चीज़ें होती हैं, वैसे ये 10 जुलाई को इसमें फैसला लिया जाएगा, अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो नोकिया की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया के अंदर करीब 1.5% की हो जाएगी, एरिक्सन की करीब 0.9% की हो जाएंगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अब वो हिस्सा वोडाफोन आइडिया के अंदर इक्विटी के माध्यम से, यानी शेयर होल्डर के माध्यम से बन गए। मुझे ये पॉजिटिव लग रहा है, आपको ये चीज़ें समझ में आई, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, समझो इशारों को समझो। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया संजीव भसीन जी वाली बातों के साथ, एक्चुअल चीज़ों के साथ लग रहा है। तो 25 के टारगेट तो मुझे लग रहा है ये दिखाएगा जरूर, चाहे उतार चढ़ाव करके दिखाए, क्योंकि नोकिया एरिक्सन अपना बकाया पैसे से मांगता तो प्रॉब्लम वो वोडाफोन आइडिया के लिए हो जाती। और जब ये चीज़ें मंजूरी हो रही तो उसके अंदर वो शेयर होल्डिंग होगी, ये बहुत पॉजिटिव है भैया। कौन कौन समझ रहा है? मैं खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपकी साइकोलॉजी को समझा रहा हूँ कि इस तरीके से भी चीज़ें देखी जाती हैं। अब आप समझो कि सरकार जहाँ 33% की थी, फिर 32% की हुई, और अब 23.80% की हो गई, और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो 23.20% की सरकार हो जाएगी, यानी कि सरकार अपने होल्डिंग को निकाल रही है धीरे धीरे से। तो ये फिर दोबारा से प्राइवेट की चीज़ों के साथ होता जा रहा है, ये पॉजिटिव संकेत हो रहे हैं। जहाँ वोडाफोन आइडिया के अंदर प्रमोटर जो थे संयुक्त में थे, जो करीब 38.17% के थे, तो अब संयुक्त में अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी तो हो जाएंगी करीब 37.3% के, ये होगा आगे अगर ये चीज़ें हो जाएंगी। तो FIs कंपनी के अंदर करीब 12.13% के, DIs कंपनी के अंदर करीब 5.46% के, पब्लिक कंपनी के अंदर 20% की है, और फिलहाल सरकार कंपनी के अंदर करीब 23.80% की है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी नोकिया वाली, तो कितने हो जाएंगे, 23.20% की हो जाएगी, उधर प्रमोटर भी चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव संकेत है, कौन इस पॉजिटिव संकेत को देख रहा है? वोडाफोन जो UK वाला है PLC, वो जो अपनी हिस्सेदारी उसकी इंडस टावर में है, उसमें से अपनी हिस्सेदारी भी बेचने की चीज़ों के साथ एक न्यूज़ निकल कर आ रही है, तो ये भी आप समझ कर चलना। तो यहाँ से मुझे वोडाफोन आइडिया पॉजिटिव संकेतों के साथ, संजीव भसीन जी के लक्ष्यों के साथ और मजबूती के साथ, क्योंकि 4G और 5G का विस्तार, सर जिस दिन 5G लॉन्च कर दिया वोडाफोन आइडिया ने, भैया वो एक सुनहरा पल होगा, पर उसकी डेट तो नहीं पता ना, वो कभी भी हो जाएगा, तो समझो वो एक ट्रिगर पॉइंट है इसका, और वो कभी भी गिरावट में भी हो जाएगा कि भाई गिर रहा है फिर एकदम से न्यूज आ जाए। पर ये जो चीज़ें मैंने आपको नोकिया एरिक्सन वाली कल भी वीडियो बनाई थी, लेकिन आज मैंने डिटेल से समझा दिया आपको, है ना, तो डिटेल भी हमें समझनी बहुत जरूरी हो जाती है। अब बात करेंगे BCG के लिए। सर
तो सबसे पहले बताओ कि BCG के ऊपर जो भी चीज़ें NSC BSC द्वारा कही गई वो लाजमी लागू हो गई है। 14 तारीख उन्होंने डेट बताया था और 14 तारीख से पहले BCG को अपना रिजल्ट प्रस्तुत करना था। मान लो किसी ने मुझे कहा कि भैया आपको ये चीज़ें करनी है, और मैंने कहा कि कर दूंगा, पब्लिक ने समझ लिया भैया कर देगा बंदा, खरीद लो, पर मैंने क्या करा, मैंने 30% चीज़ें कर दी, 70% करी नहीं है। अब यहाँ झटका लगेगा NSC BSC को। मैंने वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, मैंने कहा भैया यहाँ तक तो चीज़ें कर दी हैं पर कम की हैं, अब इसके अंदर SEBI देखेगा, NSC देखेगा, उनको ये चीज़ें कैसी लग रही है। नियमों के तहत जो भी चीज़ें BCG नहीं कर रहा था उस उपलक्ष में ये सारी चीज़ें होने वाली थी। Q2, Q3 और Q4 का रिजल्ट प्रस्तुत करना था, जिसके अंदर Q2 का ही करा वो पूर्णतया नहीं करा, तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो गलत हैं। भले कुछ चीज़ों को सुनने में आपको बुरा लग जाए पर चीज़ें तो सही हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों के अनुसार ये चीज़ें की हैं। पर समझो कि अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है और अगर कंपनी सेल्स कर रही है, चाहे वो कम करे क्योंकि मैनेजमेंट भी प्रॉब्लमों के साथ है, पर अगर कंपनी ने प्रॉफिट और सेल्स प्रस्तुत की है तो कंपनी का काम चालू है। कंपनी ने और वो चीज़ें नहीं की जो पूर्णतया जो इसके वर्ल्ड में फैली हुई चीज़ें हैं, तो अब इसको वो रिजल्ट जरूर प्रस्तुत करना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूज़ जो निकल कर आई है ये टेम्परेली, ये जो इनकी ट्रेडिंग बंद की गई है टेम्परेली, है ना, टेम्परेली का मतलब अगर इन्होंने वो सारी चीज़ें जो SEBI के नियमों के तहत आती हैं वो कर दी तो ये फिर से चल जाएगा। मंडे इसको दिखना था, मंडे शायद नहीं दिखेगा, छुट्टी है तो शायद ये मंगल को दिख सके, है ना, तो उन चीज़ों के साथ भी ये सारे नियमों के तहत चीज़ें हो रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि ये जो आज ट्रेडिंग बंद होगी ये अचानक से होगी, ये पहले हमारे सामने थी, उस चीज़ को आपको समझना था। अगर ये काम कर रहा है, चीज़ें सब चीज़ कर रहा है, तो फिर इसको रिजल्ट देने में इतनी प्रॉब्लम क्यों है, देरी क्यों है, ये डंडा है इसके ऊपर। अगर इसको करना है तो वो सारी चीज़ें करके दिखाएगा हमें, पर उसके अंदर थोड़ा सा समय लग जाएगा, है ना। तो अब ये देखना है कि भाई BCG की इतनी बड़ी चीज़ हो गई, उसकी ट्रेडिंग रोक दी गई आज, तो BCG ने भैया क्या बोल दिया। अब तो BCG कहेगा भैया मैं इसके ऊपर जवाब देगा, अब तो अब इसके जवाब का इंतजार करो। NSC BSC SEBI ये सब ने अपना काम कर दिया, और मैंने आपको कहा था कि NSC हो या BSC या SEBI या डील के मसले, ये आपको सबको याद है ना, तो उस वजह से आपको शेयरों को देखना चाहिए। सर बहुत आसान तो है, पर उसे हम आसान बनाते नहीं, हम खुद ही टेंशन ले लेते हैं। पर इस बार अगर आप BCG से निकल जाएं, मतलब कि अगर आपको भाई अच्छी चीज़ें हो गई, तो अगले बार से कान पकड़ लेना, मैं आपको बता रहा हूँ, कान पकड़ लेना किसी भी शेयर को खरीदने से पहले जो इस तरीके से हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट तो आप करते ही हो जय हिंद के साथ, एक चीज़ यही पूछ लो कि सर ये क्या चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों को समझेंगे। हमारे द्वारा बनाई गई जितनी भी वीडियो है सारी समझदारी के ऊपर है, सारी फैक्ट के ऊपर है, कोई भी हवा हवा ही नहीं है। क्या अशोक लीलैंड एग्जैक्ट बैटरी, जितने भी JK टायर, ये सारी चीज़ें हैं, सेल हो गया, गेल हो गया, ONGC, ये क्या सारे वजूदों के साथ नहीं है? क्या मोर पैन लैब में जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्या मोर पैन लैब के अंदर वो क्वालिटी नहीं है? सारी क्वालिटी है, पर उस क्वालिटी को हम धीरे 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 ही समझ जाएं, सबसे बड़ी वो बात है। तो यहाँ पर BCG अगर अपना रिजल्ट फिर से देंगे, भैया देना पड़ेगा, और देना इसलिए भी पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोगों के पैसे फंसे पड़े हैं, और अगर कंपनी काम कर रही है तो फिर रिजल्ट देगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट और अपना रिजल्ट दिया है, चाहे वो कम दिया है, या तो तब है ना जब कंपनी काम कर रही है, बिना काम किए रिजल्ट अब ये दे नहीं सकता, क्योंकि SEBI पहले ही डंडा लेके खड़े हैं, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, है ना। तो अब इसके जो पूरे फैले हुए काम है उसमें जब तेजी दिखाएगा उसे लाने के ऊपर, भले उससे शेयर गिर जाए लेकिन दिखाएगा जरूर, क्योंकि अगर इस कंपनी को समझना है तो रिजल्ट कंपनी को देना पड़ेगा। और शंकर शर्मा जी की मार्च 2024 में अपनी होल्डिंग जो उनकी थी 1.14% अभी भी है, यानी कि मार्च 2024 की तक है, आगे की चीज़ें हमें नहीं दिख रही है क्योंकि अभी इनकी वो अपडेट नहीं हुई है। तो हमने तो एक चीज़ समझ ली है ज़िंदगी में और शेयर मार्केट में, सच्चाई की तरफ चलेंगे भैया पैसा बनेगा ही बनेगा, है ना, सच्चाई की तरफ, लालच को कम करेंगे पैसा बनेगा ही बनेगा, पर फ्रॉड लोगों से ज़रूर आपको बचना है। मैं आपको रिजल्ट से पहले ही इसके बता रहा था कि जल्दबाजी में तेज़ी नहीं आनी है, और कोई आपको
लॉटरी नहीं लगा रहा है। और मैंने अपने थंबनेल पे लॉटरी को कटोरी लिख दिया था, कटोरी लगने वाली नहीं है ये लिख दिया था ना। तो ये चीज़ों को आपको समझो कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या उसकी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी को समझने के लिए साइकोलॉजी होने चाहिए, किसी को समझने के लिए अंदरूनी तौर पर आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग चीज़ क्या कह रहे हैं। जब आप मेरी चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको नहीं समझ पा रहे, तो जो मैनेजमेंट के जो स्टेटमेंट आते हैं, न्यूज आती है, फिर वो आप कैसे समझ जाओगे। नोकिया एरिक्सन की हिस्सेदारी शेयरधारिता में बदलना, यानी कि बकाया को शेयरधारिता में बदलना, ये पॉजिटिव है। और अगर बकाया के लिए वो डंडा करते तो फिर टेंशन हो जाती। अगर वो इस तरह से मान जाएंगे तो उनकी भी हिस्सेदारी है, तो यानी कि वो अच्छे तरह काम कर देंगे आगे। तो कुछ चीज़ों को हमें समझना पड़ता है। तो अपनी गतिविधियों को अच्छा करें। इस बार अगर लक या भगवान की दुआ से BCG में कुछ सुनहरे अवसर कुछ ही महीनों बाद अगर निकल कर आएँ, और अगर आपको लगता है कि हाँ अब आपको अच्छी जगह निकलना है, तो ये लास्ट मौका आगे जाकर जिस तरीके से अगर इसने रिजल्ट प्रस्तुत किया, तो फिर आप कान पकड़ लेना, भैया सही चीज़ों के साथ जाऊँगा आगे, गलत चीज़ों के साथ कभी आगे नहीं बढ़ूँगा, सही चीज़ों के साथ ही आगे बढ़ूँगा। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि भैया जिन जिन के भी पैसे हैं, सच्चाई के तौर पर वो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें इसके अंदर निकल कर आए, क्योंकि जो स्टेटमेंट है कि टेम्परेरी ट्रेडिंग रोक दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इसे भी आपको समझना है। और अगर इन्होंने अपना रिजल्ट प्रस्तुत कर दिया, उसे भी आपको समझना है। और अगर इनकी ट्रेडिंग आज बंद हुई, तो ये भी समझना है कि ये तो भाई कहा गया था और 14 तारीख आज है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर भसीन जी की मार्गदर्शन और ये सारी न्यूज पॉजिटिव संकेत डाल रही है। देश के प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन इटली में शामिल होने के लिए जा चुके हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में गए हैं, तो यानी सरकार उनकी है। और बीच में इधर उधर की न्यूज़ निकल कर जो आती रहेगी, वो शेयर मार्केट में इफ़ेक्ट डालती रहेगी। आपको करनी है तैयारी अब बजट की, और बजट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी, वो अपने धैर्यता और अपनी इच्छा अनुसार करें। BCG में वेट करें आप कंपनी क्या कहती है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। तो सर सच्ची उड़ देखे, अच्छी उड़ देखे, समझ समझ कर देखे, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। शेयर खरीदने से पहले 100 बार सोच लें, क्योंकि जो भी शेयर आप खरीद रहे हैं उसके अंदर आपका पैसा लग रहा है। और रणनीतियों के अनुसार शेयरों को खरीदें। पेनी स्टॉक पर 2-5% ही दिमाग लगाएं तो अच्छा है, क्योंकि 2-5% दिमाग अगर हम लगाते हैं तो 95% अपने पैसे को हम बचा रहे हैं। किसी को भी शेयरों को खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, बिल्कुल साइकोलॉजी पे वीडियो बन रही है, उस चीज़ को आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो गलत लोगों से दूर रहें, सच्चाई की ओर चलें, अपना पैसा है अपने द्वारा, उसको इन्वेस्ट करने की चीज़ों के साथ निकले। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।